केरल की जनता से कार्यक्रम के लिए मुझे लगता है कि आज इमरान वो कैसे भी आए ने बॉलिंग मार्ग पर तैयार दौड़ते हुए गए और इस बार शायद भाई एक और गेंद शिवाक जबार ने भरपूर कोशिश बॉल फील्डर के हाथ में आ गई थी तब उन्होंने दौड़ना शुरू किया। ऑलरेडी कमांडिंग पोजीशन में है पर ओवर भी काफी डाउन हो गया परसेंटेज और मुझे लगता है अगर एक तो विधायकों के बीच में और मीडिया लेवल के बीच में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है खेलो इंडिया खेलो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक डिसाइड किया था हमारी टीम ने कि हम लोग खेलेंगे। अच्छी बात यह है कि विधायकों में लगभग एक आध को छोड़कर कोई भी विधायक हमारा 40 वर्ष से नीचे नहीं है, सभी 40 वर्ष से ऊंचे हैं और एंथुजियाज्म देने के लिए मेरा मानना है कि बड़े हमारे सीनियर जो विधायक हैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर भी रह चुके हैं गुल साहब और मैं ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब का भी धन्यवादी हूँ जिनके माध्यम से एज ए मुख्य अतिथि उन्होंने स्वीकारा और मैच भी जो है हमारा विटनेस कर रहे हैं। मैं JKCA का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमें ग्राउंड उपलब्ध करवाई, हमें फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई और जिस तरीके का खेल परिचय देने के लिए आज हमने प्रेरित किया है अपने विधायकों को भी अपनी दोनों टीमों को भी। कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो 20-25 वर्ष के बाद आज बैट पकड़ रहे हैं लेकिन मैं उनकी खेल प्रतिभा देख रहा हूँ। अपने समय के प्लेयर्स आप अपनी अच्छी प्रतिभा का परिचय देते हुए एक अच्छे वातावरण में जो है वो खेल खेल रहे हैं। बात है जो आज मीडिया और लिस्टर के दरमियान जो मैच हुआ ये एक मैसेज है नौजवानों को कि वो खेल के मैदान में आगे आ जाएं क्योंकि खेल एक ऐसा एक माध्यम है जिसमें इंसान का डिसिप्लिन आ सकता है और ये है कि जो इस वक्त ज़माना है कि खेल को भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और ये एक फ्रेंडली मैच है, हार जीत का मामला नहीं है लेकिन एक मैसेज चला गया अक्रॉस द स्टेट कि खेल इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए और इसमें यह है कि अब खेल को भी प्रोफेशनल तरीके से लेना होगा।